नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्टार्ट हुई है। नए कानून आए, उनमें वो चेंजेस लाए गए समय के अनुसार। दृश्य और श्रव्य माध्यमों को एविडेंस में शामिल करने का शामिल किया गया, जोड़ा गया। तो अब हम एविडेंस देने जाते हैं। पहले क्या होता था कि 500-700 किलोमीटर हमें जाना पड़ता था एविडेंस देने कोर्ट में, जो हमने केस की विवेचना की उसकी एविडेंस देने के लिए हमें जाना पड़ता था। और सोचिए अब 3 दिन तो जाने आने में टूटता था, रुकने में कितना खर्च लगता था और समय की बर्बादी और सरकार के एक तरीके से खजाने पे भार पड़ता था। अभी क्या है, इतना आसान तरीका हो गया। मैं अपने ज़िले के कंप्यूटर सेक्शन में जाता हूँ कोर्ट के, वहाँ जिस ज़िले में एविडेंस देना होता है उससे ऑनलाइन हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हम सभी से कहेंगे कि जितने भी विवेचक हैं वो सारे लोग इसी तरह दें। और ये इससे क्या होगा ना कि न्याय प्रक्रिया भी फास्ट होगी। कई बार क्या होता है, ना जाने से 2 डेट पड़ी 4 डेट पड़ी, साल भर केस आगे खिंच जाता है। अगर आप इस तरह से देंगे तो केसों का भी डिस्पोजल जल्द होगा और सरकार का भार भी खजाने का कम पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है सबको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी मुजरिम जो केस के संबंध में कोर्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं न्यायालय से, उनको भी एकदम पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। ना मुजरिमों के भागने की समस्या रहेगी, ना मौके पे पेशी पे जाके गवाहों को धमकाने की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर उनकी भी बीसी कराया जाए, उनको वहीं से जज साहब देख लें, जो अभी प्रावधान है। लेकिन ये अगर 100% इसका अनुपालन होने लगे, कंप्लायंस होने लगे, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इतना आसान अच्छा तरीका है, आप जाइए। बस आपको एक पहचान की समस्या है, मैं तो कहता हूँ उसको और डाइल्यूट करे गवर्नमेंट, कि इसे हमें डायरेक्ट फ़ोन पे जोड़ दे, हमें वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं हो। हम अपने ऑफिस से कर सकें अपने फ़ोन के थ्रू, जैसे आजकल गूगल मीट होता है या व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, और एक उसका प्रूफ देना होता है तो वो हमारा सीनियर अफसर दे सकता है कि ये यही बंदे हैं। या उधर का डिफेंस का वकील अपने कंप्लेंट जो उसका क्लाइंट है उससे पूछ सकता है ये वही है कि नहीं। और एक हम जैसे अभी साइन करके अपना आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, आधार देते हैं कि हम ये हैं, हमने ये इन्वेस्टिगेशन दिया। तो बहुत ही सुलभ और फास्ट तरीका है, इसको सबको अपनाना चाहिए। सामने स्क्रीन रहती है, हम इधर से एविडेंस दे रहे हैं, उधर से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम जैसे चीप होती थी वैसे चीप करते हैं, फिर उसमें क्रॉस एग्जामिन होता है, उसके बाद जो हमने बोला उस पर क्रॉस हुआ, वहाँ हमारे सरकारी वकील रहते हैं, फिर वो जिस्ट को मेल करते हैं, उस जिस्ट को प्रिंट निकालने के बाद हम साइन करके प्रमाणित कर देते हैं, हमारा उपस्थिति हो गई, वो स्कैन मेल साइन सॉफ्ट कॉपी में चला जाता है और एक हमारा आइडेंटिटी प्रूफ जाता है कि हमने ये एविडेंस दिया। तो मैं उन सभी विवेचकों से कहूँगा कि कृपया करके इसका अनुपालन करें, बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभार हमको भी लगता था कि पता लगा कि यहाँ से मुरादाबाद जा रहे हैं एविडेंस देने, पूरा पश्चिम, मतलब 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, 15-20 मिनट का एविडेंस है और 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, 1 दिन रुकने का, 4-5 दिन बेस जाता था। उन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस देने में सबको सीखना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। जैसे मैं अभी देना स्टार्ट किया हूँ, मैंने दिए हैं, वो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।